नमस्कार, मुकेश खाना खजाना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बेहतरीन सब्जी बनाना बताएंगे, ऐसी सब्जी जो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपके घर में सभी उंगलियां चाटते रहे। इसमें है बनेगी मखाने से, पालक से, टमाटर से। इसमें पालक चाहिए थोड़ा सा, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, तीन प्याज चाहिए, कुछ पांच छह हरी मिर्च चाहिए, एक अदरक की गांठ चाहिए। इन सब से बनेगी बेहतरीन सब्जी। और एक कटोरी बेसन चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए चार पांच। ये देखिएगा, आप इस तरह से उबाल लें और उबाल करके छील लें और मखाने को फ्राई पैन में तल लें, कम जरा से घी में। ज़्यादा घी नहीं डालना, अन्यथा बहुत ख़राब हो जाएगा। आइएगा हम देखते हैं कैसे बनाएं। हमने एक कटोरी बेसन लिया, छाना उसे, और उसमें हमने पालक को प्यूरी बना करके इसमें मिला दिया है। पालक को थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे और फिर उसके बाद मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। इसमें मिला दिया है हमने। अब हमने इसमें डाला है गरम मसाला आधी चम्मच। गरम मसाले से बेहतरीन स्वाद आएगा और हमने मिला के रख दिया है। अब हम इसको बेसन को मार लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और नमक बिल्कुल ज़रा सा, अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी ताकि, और थोड़ी सी हींग ताकि ये जल्दी से पच जाए। अब हमने इसको मारने के बाद रख दिया था थोड़ी देर के लिए, करीब 15 मिनट के लिए। हम इसकी अब लोइयां काट लेंगे। चार लोइयां बना ली हैं हमने। अब हम इनको पत्थर लगाएंगे, बेसन का या आटे का लगा करके इसको पूड़ी बेलेंगे। चंद्रकला मखाना रोज़ की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप हमारा वीडियो पूरा देखें। अब हम इसको बेल लेंगे, पूड़ी बेलेंगे। ये देखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। हमारे हर वीडियो आपकी अपनी रसोई ही का ही सामान से बनी होता है, जो भी बनते हैं बनाते हैं। बाज़ार से महंगी चीज़ें लेकर के आपको नहीं बनानी है कोई भी डिश। अब हम आलू और पालक का मिश्रण लगा रहे हैं। आलू को हम क्रश कर लेंगे, उबले हुए आलू को मैश करेंगे और मैश करने के बाद उसमें पालक मिला लेंगे थोड़ा, हम दिखाया ही था आपको। अब हमने रोल बनाया और रोल करके इसको हम किनारे को पानी से लगा करके थोड़ा सा गीला कराएंगे और बेल देंगे और साइड की बंद कर देंगे। ये देखिएगा, अच्छे से चिपक गए हैं। इसी तरह से हम सारे चंद्रकला रोल्स की स्टिक बना लेंगे। ये देखिएगा, चंद्रकला रोल की स्टिक बन चुकी है। अब हम इसके फ्राई पैन में पानी डाल के एक गिलास ऊपर से छन्नी रखेंगे, उसमें रोल्स को रख करके उबाल लेंगे। जब बॉयल हो जाएंगे रोल्स ये हैं तैयार हो गए हैं, उबल गए हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इनको निकाल करके रख देंगे। अब हम क्या करना है, दो टमाटर लिए, दो या तीन टमाटर लें, लहसुन लें, प्याज लें दो तीन, और मिर्चें लें। उनसे हम प्यूरी बनाएंगे। और ये देखिएगा, ये ठंडे होने के बाद रोल्स को, चंद्रकला रोल्स हमने काटने शुरू कर दी। ये देखिएगा, ये हम आधा इंची या एक इंची स्टिक रखेंगे, काटेंगे पीस। ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है। ये आप नाश्ते में तल करके भी खा सकते हैं और सब्जी तो बनेगी ही।
इसी तरह से हम सब पीस काट लिए हमने, ये देख रही हैं आप। आपने इसका नाम नहीं सुना होगा ना आपने खाई होगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमने इसी के साथ दो आलू जो थे, तीन आलू मैश किए थे और दो आलू हमने को चिप्स के रूप में काट लिए हैं, आधा इंची मोटी। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे सैलो फ्राई, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि लोगों को ज़्यादा यूज आज के ज़माने में सही नहीं है। सैलो फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हमने दो चम्मच ऑयल डाला, गर्म होने पर हमने चंद करा रोल्स के पीस रखे, ये देखिएगा, और मीडियम गैस पर हम इनको ब्राउन होने तक तलेंगे। अगर आपको ज़्यादा ऑयल खाना पसंद है तो आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं तेल या घी में, ज़्यादा घी में, अन्यथा ये देखिएगा कम ऑयल में हम जब इनको सैलो फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिएगा रंग चेंज हो गया है इनका, ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर हो गया है। ये जरा सी देर में ही ये सैलो फ्राई हो जाते हैं, ये देखिएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दें और हमारे पूरे वीडियो को ही देखें। अगर आप के बच्चे छोटे हैं और वो ने कला में नंबर कम आते हैं ड्राइंग में, ये देखिएगा कितने अच्छे सैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपके बच्चे ड्राइंग में कमज़ोर हैं, नंबर कम आते हैं, रैंक कम मिलती है, तो आप हमारे वीडियो को इसी में आगे वीडियो हैं उनको आप देखें और सीखें पेंटिंग या स्केचिंग कैसे बनाई जाती है, सरल तरीके से हमने बताई है। अब हमने आलू के पीसों को रखा है और सैलो फ्राई होने लगे हैं आलू, ये देखिएगा रंग चेंज हो गया है आलूओं का भी। आप पेंटिंग बच्चों को सिखाएं हमारे वीडियो के द्वारा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आप पहली बार देख रही हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा करारा आलू का चिप्स हो गया है। अब हम मखाने को उसी में ही डाल करके हल्के से क्रश कर लेंगे, क्योंकि करारे मखाने वैसे मुलायम होते हैं और इस पर हम उनको भूनेंगे तो ये करारे हो जाएंगे। घी नहीं डालना है इनमें। इसी तरह से ही देखिएगा ब्राउन से होने लगे हैं, कलर चेंज हो जाएगा वाइट कलर, ये देखिएगा आपको लग रहा होगा कलर चेंज हो गया है, ये करारे ये सिक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। चंद्रकला अपना आप में डिश। ये हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसमें तीन टमाटर थे, दो प्याज थे, 15 कलियां थी लहसुन की और 5-6 मिर्च थी। दो चम्मच ऑयल में हमने सबसे पहले हींग डाली है, जीरा डाला है, मेथी डाली आधी चम्मच और अजवाइन डाली है आधी चम्मच। ये इसके लिए क्योंकि बेसन थोड़ा वैसा होता है, देर में पचता है, और ये हमने करी पत्ते डाले सूखे। भुनने के बाद हमने प्यूरी जो मसाले बनाए थे पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, वो हमने डाला। देखिएगा धुआं गर्म हो गया है, खोलने लगा है, और ये जब पक जाएगा तो ऑयल छोड़ेगा और ऑयल छोड़ने पर ही हम हल्दी डालेंगे। इसमें आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया और आधी चम्मच मिर्च। धनिया हम एक चम्मच पूरा डाल सकते हैं आप। और हमने अब ये पकाया है, देखिएगा मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
और जब हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे और हल्दी वगैरह जब अच्छे से पक जाती है तो सब्जी का स्वाद ही अलग ही बन जाता है। अगर आप इस तरह से पका के बनाएंगी तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। और हम कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी छौंकने पर मसाले ऊपर से डालते हैं तो वो उसमें इतना स्वाद नहीं आ पाता है। ये देखिएगा, आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है और मसाला अपना तेल छोड़ रहा है, ग्रेवी अच्छे से पक रही है। ये देखिएगा ग्रेवी का रंग इतना अच्छा आया है जिसकी कोई स्वाद जवाब नहीं। देखिएगा अब हम इसमें 2-1.5 गिलास पानी डाल देंगे। आप जितने कैंडिडेट घर में हों उस हिसाब से बनाएं। ये केवल 3-4 लोगों के लिए ही बन रही है, आपके यहाँ ज़्यादा लोग हों तो। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच। नमक स्वादानुसार डालें। अब हमने इसमें गरम मसाला डाला है, खौल आने पर 1 चम्मच गरम मसाला डालें। मिर्च अगर डालना चाहें तो और डाल सकती हैं आप। बच्चे खाएंगे तो तीखा ज़्यादा सही नहीं रहेगा, गरम मसाला पड़ चुका है और 5-6-7 मिर्चें थी हरी। पकने पर जब उबाल अच्छा सा आ जाए, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, फिर हम इसमें मखाना डाल देंगे। ये देखिए मखाने हमने डाल दिए हैं, करारे मखाने डालने के बाद इसमें अंदर ग्रेवी चली जाएगी, ग्रेवी का स्वाद चला जाएगा, मसालों की खुशबू चली जाएगी। अब हम इसमें पीस चंद्रकला मखान चंद्रकला रोल्स के पीस डाल देंगे, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं डालें क्योंकि छींटे आपके पास शरीर पर पड़ सकते हैं हाथों में, जिससे जलने की संभावना बनी रहती है। आप सावधानी पूर्वक चंद्रकला मखाला रोल्स डालें और थोड़ी देर तक पकाएंगे। हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। आप हमारे वीडियो को अपने बच्चों के लिए भी देखें, क्योंकि अगर उनकी ड्राइंग में नंबर कम आते हैं, रैंक सही नहीं आती है, तो आप इसमें वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं ड्राइंग के, उन्हें आप देख करके अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के बाद देखेंगे सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा अब हम ग्रेवी ज़्यादा गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि बेसन जो है थोड़ा पानी पी लेता है। ये देखिएगा अपने आप बेसन जब पानी पिएगा तो ग्रेवी बहुत ही कम रह जाएगी। ये बन चुका है मसाले, सब्जी को हमने निकाल लिया है डोंगे में। ये देख कितनी प्यारी सब्जी है, ये है चंद्रकला मखाना रोल्स। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।